टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी, टीम में लौट रहा है खतरनाक गेंदबाज जिसके नाम से खौफ खाते हैं बड़े बड़े बल्लेबाज। दुआ करते हैं इस गेंदबाज से सामना ना हो। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तूफान मचाने को तैयार है ये खिलाड़ी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के उड़े हुए हैं होश। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज होनी है। 9 फरवरी से ये सीरीज शुरू हो जाएगी। इससे पहले टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज निकल के सामने आई है। 4 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह की वापसी हो सकती है। वो सीरीज के आखिरी 2 टेस्ट मैच खेल सकते हैं। टीम इंडिया के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एनसीए में गेंदबाजी शुरू कर दी है। वह 1 मार्च से धर्मशाला में शुरू होने वाले सीरीज के 3रे टेस्ट में वापसी करेंगे, बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया। हाँ, बुमराह ने नेट्स में गेंदबाजी करना शुरू कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि सब ठीक हो जाए और वह फिट घोषित हो जाएं। आपको बता दें, जसप्रीत बुमराह इन दिनों पीठ की चोट से उबर रहे हैं। उन्हें पिछले साल 2022 के सितंबर में पीठ में परेशानी हुई थी, तभी से वह टीम से बाहर चल रही हैं। बताया जा रहा है कि अगर बुमराह को अपनी पीठ में कोई परेशानी महसूस नहीं होती तो उम्मीद है कि वह आगामी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंतिम 2 टेस्ट मैचों में वापसी कर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के प्रमुख तेज गेंदबाज हैं। बुमराह का सबसे बड़ा हथियार सटीक यॉर्कर है, जिससे वह बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर है। पड़कर अंदर जाने वाली गेंद से वह बल्लेबाजों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके पास लेफ्टी बल्लेबाज के लिए खतरनाक आउट स्विंग भी है, जिससे कई बैट्समैन खौफ खाते हैं। जसप्रीत बुमराह की उम्र 29 साल है। उन्होंने टीम इंडिया के लिए 30 टेस्ट की 46 पारियों में 128 विकेट लिए हैं। 72 वनडे मैचों में भी 121 विकेट ले चुके हैं। T20 के 60 मैचों में उनके नाम 70 विकेट हैं, जबकि IPL के 120 मैच में ये तेज गेंदबाज 145 बल्लेबाजों का शिकार कर चुका है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 फरवरी से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जानी है। ये सीरीज दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से है। अगर टीम इंडिया को WTC का फाइनल खेलना है तो ऑस्ट्रेलिया को 2-0 या 3-1 से सीरीज में हराना होगा। वहीं आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया की टीम WTC पॉइंट्स टेबल और टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर है। वह पिछले 1 साल में इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका को अपने घरेलू मैदानों पर एक तरफा शिकस्त दे चुकी है। वहीं उपमहाद्वीप में भी इस टीम ने पाकिस्तान को उसी की सरजमी पर हराया है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी मजबूत नजर आ रही है। इसके उलट भारतीय टीम के पिछले 1 साल के टेस्ट आंकड़े कुछ खास नहीं रहे। भारत को दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में हार मिली है, और वह महज श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे टीमों के खिलाफ ही जीत दर्ज कर सकी है। हालांकि घरेलू मैदानों पर भारत को हराना इतना आसान काम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पिछले 18 सालों में एक बार भी भारत में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई। यहां तक ऑस्ट्रेलिया में खेली गई पिछली 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी भारत के ही नाम रही। यानी अगर ऑस्ट्रेलिया सामने है तो टीम इंडिया भी कहीं कमजोर नजर नहीं आती। ऐसे में कहना मुश्किल है कि इस बार सीरीज में किसका पलड़ा भारी है। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।